आप लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण लिख डाली है, इतिहास में फेर बदल कर डाला है। तो अब तो मैं यू ही कहूंगा कि दिवाली के नाम पर दीप दान उत्सव मनाकर दीप जलाओ, और होली के नाम पर रंग बखेर कर रंगोली मनाओ, और लाल धागे की जगह सफेद धागा बांधकर अपनी रक्षा करो। ये धर्म का काम नहीं हो रहा है, ये धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, ये धर्म के नाम पर परंपराओं को फिर से पुनः जीवित किया जा रहा है, ये धर्म के नाम पर समाज को परंपराओं के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। ये आपको शोभा नहीं देता, ये इतिहास में फेरबदल करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं उन चंद लोगों से कह रहा हूं जो चंद लोग अपने परिवार के गुलाम बन चुके हैं, जो चंद लोग अपनी महिलाओं के गुलाम बन चुके हैं, जो चंद लोग अपनी परंपराओं के गुलाम। जानकारी होनी चाहिए कि आपने बुद्ध को सम्राट अशोक के ये दो लाइनें जो इतिहास में लिख डाली ये बहुत गलत कर दिया। अपने स्वार्थ के कारण आपने इतिहास के पन्नों के अंदर जो लाइनें डाली है ये बहुत गलत डाली है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने दो रेफरेंस दिए हैं, पहला रेफरेंस बुद्ध का दिया, दूसरा रेफरेंस सम्राट अशोक का दिया। दोनों रेफरेंस में बहुत अंतराल है, बहुत अंतर है। अगर आपका रेफरेंस सटीक होता तो एक होना चाहिए था, या तो आप यूं ही कहते कि बुद्ध कपिल वस्तु के इस खुशी में मनाते हैं, या यूं ही कहते कि सम्राट अशोक ने 84,000 जन कल्याण के कार्यों का अनावरण किया, या यूं मनाते। पर आपने तो कहा इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि बुद्ध 7 वर्ष के बाद कपिल वस्तु गए, और इसलिए भी मनाते हैं कि सम्राट अशोक ने इस दिन अनावरण किया। तो आपके लाइनों में तो इतना बड़ा अंतर आ गया, सैकड़ों सालों का अंतर आ गया, और जहां सैकड़ों सालों का अंतर आ गया वहां सत्य नहीं हो सकता। आप अपने स्वार्थ के कारण समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हो। तो मेरी समाज से अपील है, ये दीप दान उत्सव ये स्वार्थी लोगों का त्योहार है, ये दीप दान उत्सव के नाम पर स्वार्थी लोग दीपावली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक जगह दीपावली के नाम पर दीप जलाएंगे और दूसरी जगह दीप दान उत्सव के नाम पर जहां दीप जलाए जाएंगे वहां दीप दान उत्सव लोग नहीं जानेंगे, वहां लोग जानेंगे ये दिवाली का पर्व है, ये दिवाली के नाम पर दीप जलाया गया है, और फिर आप समूचा समाज दिवाली में सम्मिलित हो जाएगा। तो मैं आपसे कह दूं कि बुद्ध ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल में लगातार वो हर राज्य में गए, हर गांव में गए, हर नगर में गए, पर नगर वासियों से या नगरपति से या वहां के राजा से बुद्ध ने पहले ही निवेदन करा दिया कि मेरे स्वागत के लिए ना दीप जलाए जाए, ना मालाएं मुझे पहनाई जाए, ना फूलों से कोई चीज सजाई जाए, मेरा स्वागत वैसे ही हो जैसे एक आम इंसान का होता है, जैसे एक जनमानस का होता है। मेरा स्वागत मेरा शील है, मेरी स्वागत मेरी पारमिताएं है, मेरा स्वागत मेरा तेज है, जो तेज मेरे मस्तिष्क पर तेज कर रहा है। तो बुद्ध ने जिस संकल्प को लिया वह संकल्प पूरे देश में फैला। कपिल वस्तु के लोग भी उससे अनभिज्ञ नहीं थे, और बुद्ध के जाने की योजना और बुद्ध के जाने की सूचना पहले पूर्व किसी को नहीं थी। बुद्ध ने अपनी चारिका में कपिल वस्तु को स्थान को निर्धारित किया। अचानक ही बुद्ध कपिल वस्तु की ओर प्रस्थान किए और कपिल वस्तु में गए, और कपिल वस्तु में जाने के बाद बुद्ध ने वहां पर केवल दिन के समय यानी दिन के समय भोजन दान लिया। ध्यान देना कि बुद्ध दिन के समय पहुंचे दिन में, और दिन में शुद्धोदन के यहां पर भोजन दान लेता रहे, और भोजन दान लेने के बाद धम्म देशना देते हैं, और धम्म देशना देने के बाद वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। यानी बुद्ध कपिल वस्तु में रात्रि के समय ठहरे भी नहीं है, वो अलग एक जंगल में जाके ठहरे। तो जब बुद्ध वहां से चले गए हैं, दिन में आए और दिन में ही चले गए हैं, रात को बुद्ध ठहरे ही नहीं है, तो फिर किसके लिए दीप जलाया गया, फिर किसके लिए
वहाँ पर मिठाइयाँ बनाई गई, फिर किसके लिए फूल मालाएं सजाई गई, क्योंकि बुद्ध तो कपिल वस्तु में ठहरे ही नहीं थे। ऐसी झूठी कहा। तो पहले मैं आपको ये जानकारी करा दूं कि सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करते हैं और कलिंग युद्ध के बाद वो धम्म की दीक्षा लेते हैं। धम्म की दीक्षा के बाद 232 ईसा पूर्व तक उनका जीवन चलता है, यानी 30 साल का ये जीवन पीरियड था उनका। इस 30 साल के जीवन पीरियड में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप हो, स्नानागार हो, धर्मशालाएं हो, स्कूल हो, सड़कें हो, बहुत सारे जन कल्याण के ऐसे कार्य सम्राट अशोक ने किए जिनकी कुल संख्या 84,000 बताई गई है। 84,000 स्तूप नहीं है केवल, 84,000 स्तूप भी है, स्नानागार भी है, धर्मशालाएं भी है, वृद्धाश्रम भी है, सड़कें भी है, बहुत सारे ऐसे जन कल्याण के कार्य सम्राट अशोक ने किए और वह कार्य एक बार में संपन्न नहीं हुए। 30 साल के समय के अंतराल में सम्राट अशोक ने धीरे धीरे इन कार्यों को अंजाम दिया, यानी एक कार्य एक बार में नहीं हुआ, 84,000 कार्य एक बार में संपन्न नहीं कराए गए। 30 साल के अंतराल में समय समय पर ये कार्य संपन्न हुए। तो ऐसे इतिहासों में या आप धर्म के त्रिपिटक के अंदर ऐसा कोई भी लेख नहीं है, सम्राट अशोक के लेखों में नहीं है, अभिलेखों में नहीं है, शिलाओं में नहीं है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का या सड़कें हो, स्नानागार हो, धर्मशालाएं हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, वृद्धाश्रम हो या ऐसे जन कल्याण के जितने भी कार्य है वो एक बार में संपन्न ही कराए, ना ही उनका एक बार में अनावरण हुआ है। ये समय समय पर हुआ है, एक बार की योजना नहीं, ये लगातार सम्राट अशोक के 30 साल की योजना के भीतर आता है। तो ऐसी कोई तारीख ही नहीं है कि सम्राट अशोक ने कोई दिन निश्चित करा कि मैं आज अनावरण करता हूं, ऐसा कोई तारीख सम्राट अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलती है, त्रिपिटक में नहीं मिलती है। भारत के मूलतः भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं मिलता